हॉरर के दीवानों, एक और मूवी के लिए तैयार हो। वैसे ब्रुकलिन 45 एक हॉरर मूवी है, लेकिन इसमें मुझे आबेल मुझे मार ऐसी सिचुएशन दिख रही है। स्टोरी की बात करो तो काफ़ी सिंपल है और सिंपल सिचुएशन दिखाई गई है, जिसमें बहुत सारे मिलिट्री वाले लोग जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, वो गेट टुगेदर कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है कि शायद कोई एक बंदा जो बहुत कुछ जानता था, उसे ये लोग वापस लाना चाहते हैं। मतलब कि हाँ, एक स्पिरिट को बुलाना चाहते हैं। अब ये सच में आबेल मुझे मार ऐसी सिचुएशन है, मगर क्यों? वैसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारे ग्रुप में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जिसे हर चीज़ का नॉलेज होता है। मतलब कि हाँ, वो भूत को बनाने में बुलाने में एक्सपर्ट है, और वैसा ही एक बंदा इसमें भी दिखाया गया है। वैसे ये कांड करने वाले बंदे कुछ कम नहीं होते। अब इन्होंने एक स्पिरिट को बुलाने के लिए मंत्र फूकना शुरू तो कर दिया है, एक सर्कल बनाया है, लेकिन इस घेरे के अंदर क्या होने वाला है ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक स्पिरिट आ भी जाती है और हाँ, सबको डराने भी लगती है। लेकिन क्या ये वही स्पिरिट है जिसे ये बुलाना चाहते थे, या कुछ और? हाँ, इस बंदे ने सच में एक गोश्त को नख से उठा के सीधा पृथ्वी पर पटक दिया है। अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। मतलब कि नख की स्पिरिट को यहाँ पे बुला लिया है। अब मुसीबत तो खड़ी होनी थी, अब ये गोश्त भी इनके मजे ले रहा है। मतलब कि कह रहा है टॉक टू हैंड। वैसे ये हाथ बाहर आता हुआ थोड़ा बहुत कहीं देखा हुआ लगता है। पुरानी जाने दुश्मन की मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई थी, बिल्कुल ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मतलब कि वहाँ से थोड़ा बहुत कॉपी किया। एक बात बताओ, ये पूरी पूरी मूवी सिर्फ एक ही रूम में क्लियरली कंप्लीट कर दी गई है। मतलब कि बाहर का कोई भी सीन आने नहीं वाला है, जो भी होगा इस रूम के अंदर ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक बंदे को अपने वश में कर लिया इस आत्मा ने। लेकिन ये इतना ज़्यादा डरावना नहीं लग रहा है मुझे। अब देखते हैं कि आगे पूरी मूवी में क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में इतना ही दिखाया गया है। और हाँ, अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।